कितने ही हवालों से बहुत ज़्यादा तारीखी अहमियत का हामिल है वो मकाम के जहाँ पर आप खड़े हैं। मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आगे ले आऊँ आपको, अभी हम हज़रत इब्राहिम की बात कर रहे थे, हज़रत इस्माईल की बात कर रहे थे, फ़ख्र इब्राहिम की बात करते हैं, फ़ख्र इस्माईल की बात करते हैं। सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मक्के की गलियां हैं, यही खाने काबा का अतराफ़ का इलाका है। और कितना ही जुल्म व सितम है कुफ्फार मक्का की जाने से जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हालात कितने नाखुशगवार हैं, लोग आप पर जुल्म ढा रहे हैं, और यहाँ तक कि आपको हिजरत करना पड़ती है, मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं आप, फिर उसके बाद हालात बदलते हैं और आप उसी मक्के में वापस आते हैं, फातह मक्का बनकर आप वापस आते हैं, लेकिन आप कमाल अफ्व दरगुजर का मुजाहरा करते हैं और सबको, सबके लिए गोया माफ़ी का ऐलान कर देते हैं। मैं चाहता हूँ आपने दास्तान तामीर काबा तो बताई, ज़रा दास्तान आज़ादी काबा या जिसे हम फतेह मक्का कहते हैं आम अल्फाज में, उस मुतालिक ज़रा बताइएगा ताकि हम ये मनाजिर भी देखते रहें और ज़रा उस मंजर को कुछ अपने जहनों में समोने की कोशिश करें। जी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्जंद इब्राहिम है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया था और फ़र्जंद इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा फ़तह किया, और वो फ़तह भी हुआ था हुज़ूर की रहमत के सदक़े। सुभानअल्लाह, जब हुज़ूर यहाँ से मदीना तशरीफ़ ले गए थे ना, तो मदीना में भी कोई खून रेजी नहीं हुई थी। मदीना में पहले ही से वो लोग जो मदीना के रहने वाले थे, जब हुज़ूर ने हिजरत फरमाई थी तो कुरान की आयतों को सुनकर हुज़ूर पर ईमान लेकर आए थे। लिहाजा तारीख में लिखा है कि फुतहत बिल कुरान, मदीना कुरान के ज़रिए से फतह हुआ और मक्का हुज़ूर की रहमत और अखलाक के ज़रिए से फतह हुआ। एक खून का कतरा तो छोड़ दीजिए, एक खराश तक नहीं आई किसी को, और पूरा मक्का हुज़ूर के सामने तस्लीम हो गया। और जब हुज़ूर मक्का में दाखिल हुए तो बाज़ लोगों के दिलों में बहरहाल ख्वाहिश तो थी, उनके दिल में बहुत सी यादें थी, कहते हैं कि यौम यौमुल मलहमा, आज तो इंतकाम लेने का दिन है, इसलिए कि ये तो वो मक्का था कि जब हुज़ूर की राहों में कांटे बिछाए गए थे, यही तो वो मक्का था कि जब हुज़ूर पर रोजड़ी फेंकी जाती थी नऊज़ुबिल्लाह, यही तो वो मक्का था कि जब हुज़ूर पर पत्थर मारे जाते थे, यही वो मक्का था कि जहाँ पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनके सरों पर उनके सीनों पर पत्थर रखकर तोड़ दिए जाते थे। तो ये सब कुछ इस मक्का में हुआ था और बहुत से दिलों में बहुत सी यादें थी, आज तो इंतकाम लेने का दिन है। हुज़ूर ने फरमाया ना ना ना, अलयौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत करने का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन नहीं है। हुज़ूर ने ऐसी रहमतुल आलमीन ने ऐसी रहमत फरमाई मक्का में कि मक्का हुज़ूर की रहमत के सदक़े में तस्लीम हो गया। और ला तफ़रीब अलैकुम अलयौम, वही आयतें जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि जिन्होंने अपने भाइयों से ये कहा था, उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका था और जान से मारने की कोशिश की थी, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद जब अज़ीज़े मिस्र बन गए थे तो उनके भाई पहुँचे, कहते हैं इन्ना कुन्ना खातीन, हम खता करने वालों में से थे। हज़रत यूसुफ़ कहते हैं क़ाल ला तफ़रीब अलैकुम अलयौम, आज के दिन तुम पर कोई सख्ती नहीं है, कोई इंतकाम नहीं है। और चूँकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के वारिस हैं, खातमुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, तो गोया उनमें हज़रत यूसुफ़ की सुन्नत भी है, हज़रत इब्राहिम की सुन्नत भी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बहरहाल यहाँ पर बुतों को तोड़ दिया गया, मक्का फतह हुआ और बुतों को दफना दिया गया बाब बनी शैबा, जहाँ से सदर दरवाज़ा, जहाँ से अफराद आते थे हज करने के लिए, वहाँ पर उसको खोद कर दफना दिया गया ताकि जब हाजी गुजरें तो बुतों को रोंगते हुए गुजरें। और काश आज भी हाजी अपने अपने नफ्स के बुतों को रोंगते हुए अल्लाह की खिदमत में पहुँचे और लब्बैक की सदा बुलंद करें कि परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, हम अपनी अल्लाह का बुत तोड़ दें, ख्वाहिशात नफ्स का बुत तोड़ दें, दुनिया परस्ती का बुत तोड़ दें, असद का बुत तोड़ दें, दिखावे का बुत तोड़ दें, ताकि सुन्नत इब्राहिमी पर भी अमल हो जाए और सुन्नत मुस्तफ़ावी पर भी अमल हो जाए। जी, क्या कहना है।